दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने कंप्यूटर में वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपको भी जानना है कि कंप्यूटर में कैसे वॉलपेपर को चेंज करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको होम स्क्रीन में राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक पर्सनलाइज का ऑप्शन रहता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड के सेक्शन में आपको कुछ वॉलपेपर शो हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ वॉलपेपर विंडोज की तरफ से मिल जाते हैं, जैसा कि पहला और तीसरा और चौथा और पांचवा जो है ये विंडोज की तरफ से वॉलपेपर दिया गया है। और यहाँ पे जो बीच में एक वॉलपेपर, यहाँ पे मैंने ये वॉलपेपर डाउनलोड करके सेट किया था अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे जो अभी मेरे कंप्यूटर में वॉलपेपर सेट है, ये वाला वॉलपेपर सेट है, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इस वॉलपेपर को चेंज करने के लिए मैं कोई दूसरा वॉलपेपर को सेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पर ये वॉलपेपर लगाना है, तो सिंपली आपको इस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके कंप्यूटर के होम स्क्रीन में ये वाला वॉलपेपर सेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब दोस्तों अगर आपने कोई वॉलपेपर डाउनलोड किया है तो आप उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कैसे सेट कर सकते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनलाइज का ऑप्शन रहता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड किए हुए वॉलपेपर को सेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको ब्राउज का ऑप्शन रहता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जहाँ भी वो डाउनलोडेड वॉलपेपर है आपको यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने डाउनलोड वाले सेक्शन में रखा है, तो यहाँ पर ये वॉलपेपर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज पिक्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में ये वाला वॉलपेपर सेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसी तरह अगर आप अपना फोटो लगाना चाहते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, तो सिंपली आपको वही सेम स्टेप्स करना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनलाइज पे आना है। उसके बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है, जहां भी आपने अपना फोटो रखा होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये फोटो सेट करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, तो यहाँ पे आपको ये फोटो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको चूज पिक्चर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके जो कंप्यूटर में होम स्क्रीन में आपका वॉलपेपर सेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों वॉलपेपर को चेंज करने के लिए पर्सनलाइज वाले विंडो को यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके। फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट में एक ऑप्शन शो हो जाएगा पर्सनलाइजेशन का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आप अपने कंप्यूटर में वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कंप्यूटर में वॉलपेपर को चेंज करने का। यहाँ पर अगर आपके पास कोई डाउनलोडेड वॉलपेपर है या फिर आपके पास कोई फोटो है और उसे आप अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन में वॉलपेपर सेट करना चाहते हो, और पर्सनलाइजेशन वाले विंडो में बिना गए आप कैसे सेट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ भी वॉलपेपर रखा है आपको वहां पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी वॉलपेपर को सेट करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर होम स्क्रीन में, तो यहाँ पे आपको इस वॉलपेपर पे राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सिंपली आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके कंप्यूटर होम स्क्रीन में ये वाला वॉलपेपर सेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इमेज को ओपन करते हो, उसके बाद यहाँ पर इस इमेज पर राइट क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा सेट एज का, और यहाँ पे आपको सेट एज बैकग्राउंड का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ से भी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में वॉलपेपर को कैसे सेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।